दुनिया के मुख्त ममालिक लोग अपने मोहल्ले वकूह और इलाके में पाए जाने वाले अज्जा को इस्तेमाल करते हुए नित नए अंदाज़ और मनफरद खाने के हामिल पकवान तैयार करते हैं इन खानों में जो डिश इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल होती है उसे उस मुल्क की कौमी डिश या पकवान करार दे दिया जाता है ताहम तिहत्तर साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की कौमी डिश पर आवाम मुतफिक नहीं हो सके कुछ लोग आलू गोश को पाकिस्तान की कौमी डिश करार देते हैं जबकि कुछ लोग बिरयानी को कौमी पकवान मानते हैं जबकि मुल्क गिर सर्वे के बाद नहारी को भी पाकिस्तान की कौमी डिश करार दिया गया था ताहम हकीकत यही है कि अब तक पाकिस्तानी कॉमी के हवाले से आवामी राय मनकसम नजर आती है ख्याल रहे कि किसी मुल्क कॉमी डिश दरअसल उसकी सकाफत और खाने पकाने के हसन यानी करीनरी आर्ट एंड कल्चर की आयनेदार होती है इस डिश को पकाने के लिए दरकार अजा उस मुल्क में आसानी से पाए जाते हैं दुनिया के मख्त ममालिक में मुख्तु तहकीकती इदारे वोटिंग के जरिए इस बात का फैसला करते हैं कि इस मुल्क की कॉमी कौन सी है कई ममालिक में जहाँ इदारे वोट के जरिए कॉमेडिश का अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ पर ऐसे पकवान को कॉमीडिश का दर्जा दे दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा उस मुल्क के लोगों में पसंद की जाती है या जो हर हफ्ते छुट्टी के दिन या किसी अहम मौके पर इनके घर में ज़रूर पकती है पाकिस्तान के बरक्स दुनिया में अक्सर की कॉमीडिश के बारे में लोगों का ख्याल और पसंद एक जैसी होती है यही वजह है कि लोग एक ही पकवान को कॉमी मानते हैं और इसे शौक से खाते हैं आइए आपको दुनिया के मुख्त ममालिकीमी डिश के हवाले से बताते हैं बरतानिया की कॉमी डिश रोस्टेड बीफ एंड योकशाइड पुडिंग के नाम से मशहूर है यह डिश छुट्टी के दिन वहाँ के अक्सर घरों में पकाई जाती है इसके साथ रोज किए हुए आलू या दीगर सब्जियां अपनी पसंद के मुताबिक शामिल की जाती हैं बरतानिया के बड़े होटल्स अक्सर गैर मुल्की सयाहों को नाश्ते के वक्त वहाँ की कॉमी डिश सब करते दिखाई देते हैं फ्रांस की कॉमी डिश का नाम पोटाफ्यू है जिसमें गोश्त को हल्की आँच में स्ट्यू गोश की तरह पकाया जाता है और इसमें गोश्त और सब्जियों की यखनी भी मौजूद होती है सादा अंदाज की डिश फ्रेंच लोगों की पसंदीदा है जिसे वहाँ के लोग इंतहाई शौक से खाते हैं अफगानिस्तान के आवाम का पसंदीदा पकवान काबली पुलाव है जिसे वहाँ की कॉमी डिश का दर्जा भी हासिल है इस डिश की तैयारी के लिए आला क्वालिटी के बासमती चावल दुम्बे का गोश्त गाजर किशमिश और मुख्त्य मसालों की जरूरत पड़ती है अफगानिस्तान की यह कॉमी डिश पाकिस्तान में भी शौक़ से पकाई और खाई जाती है अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा जिस पकवान को खाना पसंद करते हैं वो हैम बर्गर है फास्ट फूड की तरफ अमेरिकी लोगों की कशिश के बारे में सभी जानते हैं अक्सर अमेरिका में लंच टाइम या डिनर के में लोग आपको एक हाथ में हेमबर्गर थामे और दूसरे हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक पकड़े नजर आएंगे यही वजह है की इस बर्गर को वहाँ की नेशनल डिश तस्वूर किया जाता है ऑस्ट्रेलियन आवाम की कॉमी डिश दरअसल एक तरह का स्नैक है जो की मीट पाई के नाम से मशहूर है मीट पाई को तैयार करने के लिए मैदे से गूँ गए आटे की जरूरत पड़ती है साथ ही इसमें मुखलि मसाले डालकर कीमा तैयार किया जाता है इस कीमे को मैदे से तैयार करद पाई के अंदर जाता है और फिर इसे बेक किया जाता है कैनेडियन आवाम को प्रोटीन खाना इतना पसंद है कि इन्होंने इसे वोटिंग के जरिए कनाडा की कौमी डिश करार दे रखा है पोटीन को तैयार करने के लिए फ्रेंच फ्राइज चीज़ की वाफिर मकदार और ब्राउन रंग की ग्रेवी की जरूरत पड़ती है जो कि वहाँ के खास मसालों से ही तैयार की जाती है फ्रेंच फ्राइज़ पर पहले चीज़ डाली जाती है फिर इस पर वो ग्रेवी डाल दी जाती है चंद मिनट बेक करके प्रोटीन को एक खास चीज डिप के साथ सर्व किया जाता है पोटीन को अगर गर्मा गर्म खाया जाए तो इसका असल जायका महसूस किया जा सकता है अगर इसको खाने में देर कर दी जाए तो फ्रेंच फ्राइज ठंडे होकर बदमजा हो जाते हैं इसलिए अगर कभी आपको कनाडा की इस नेशनल डिश को खाने का मौका मिले तो कोशिश करें कि इसे ठंडे होने से कब ही खा लिया जाए जापानी लोग अपने सादा पकवान की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं ये लोग सादा मगर सेहत बख्श अज्जा पर मबनी खाने ही खाते हैं यही वजह है कि इनकी उम्र तवील होती है जापानियों की कौमी डिश कैट्सोडिन है जिसको तैयार करने के लिए उबले हुए चावल के ऊपर गोश्त के कटलस को स्लाइस में काट कर रखा जाता है साथ ही अंडे और सब्जियों को इसमें शामिल किया जाता है इस तरह कैट्सोडिन का प्याला तैयार हो जाता है जापानी लोग इस डिश को चॉपस्टिक की मदद से खाते हैं ऑस्ट्रियन लोगों को विनर श्र खाना बहुत पसंद है ये कटलस अंदाज के गोश्त के पैटिस होते हैं जिन्हें मुख्तफ चीज़ों की कोटिंग करके फ्राई किया जाता है अक्सर इसके साथ सब्ज़ियों और चावलों को सर्व किया जाता है जनूबी कुरियन लोगों की कौमी डिश का नाम बिलगोगी है इसे तैयार करने के लिए गोश्त को पहले पतले पार्चों में काट कर बारबिक्यू किया जाता है फिर इसे मुख्त मसालों के साथ स्टिर फ्राई किया जाता है कुछ कोरियन लोग इसमें सब्ज़ियाँ भी शामिल करते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ गोश्त से तैयार करदा बिलगोगी खाना ही पसंद करते हैं इंडिया में खिचड़ी को कौमी डिश का दर्जा हासिल है ये बहुत ही सादा ग़ा है जो अमूमन पेट खराब होने की सूरत में हमारे यहाँ भी खाई जाती है खिचड़ी को तैयार करने के लिए बासमती चावल और मूंग की दाल की जरूरत होती है साथ ही इसमें नमक और मिर्च शामिल करके इसका जायका बढ़ा दिया जाता है YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो ऐसी बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा